आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जो डीसी ऑफिस है, इससे पहले भी हमने गवर्नर से मिले हैं, तो हमने जो अपना जो मेमोरेंडम है वो गवर्नर को पेश किया है। आज जो यहाँ कश्मीर वादी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने जो डीसीज़ है, इनको हर एक वहाँ का जो तंजीमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसमें हमारे कुछ मुतालबात है कश्मीरी लोगों की तरफ से। एक तो कंप्लीट स्टेटहुड है, दूसरा है ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, और तीसरा है रिलीज ऑफ यूथ्स। और कंप्लीट जो स्टेटहुड है वो हम चाहते हैं, और दूसरा जो ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, और सबसे जो अहम मसला है इस वक्त जो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान है, कश्मीर के जो यूथ है, मतलब किसी वक्त 15 अगस्त के बहाने लेते हैं, किसी वक्त यात्रा के बहाने लेते हैं, किसी वक्त 26 जनवरी के बहाने लेते हैं, तो आखिर ये नौजवान जो यहाँ ये क्या करेंगे। मतलब आज से जो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले अगर किसी ने बंदूक उठाया है, अब वो कौमी दायरे में आ गया। अब इसके रिश्तेदार को भी बुलाते हैं, इसके बीवी को भी बुलाते हैं, तो ये सरासर यहाँ के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए हम वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करते हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान मुकम्मल ध्यान दीजिए। ज़मीनी सतह पे जो हमारे जो नौजवान है, जो बेगुना नौजवान है, जो आज से 20 साल पहले या किसी का रिश्तेदार है मिलिटेंट, अगर किसी का क्लोज फेलो है या किसी का रिश्ता, अगर उसने बंदूक उठाया था, इसको क्या कसूर है, इसको भी अब थाने में लेते हैं, तो ये ज़्यादती है। तो लोग चाहते हैं यहाँ अमन और इलेक्शन चाहते हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो चाहते हैं। अलबत्त जो नौजवानों की जो पकड़ धकड़ है ये तो नाइंसाफ़ी है। देखिए, हम वही कहते हैं पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें होम मिनिस्टर ने वादा किया है, हम बहुत जल्द स्टेटहुड वापस देंगे, कंप्लीट स्टेटहुड हम वही चाहते हैं। वो बहुत जल्द कब आएगा? अगर आज नवंबर दिसंबर में वो इलेक्शन नहीं करेंगे, स्टेटहुड नहीं देंगे, फिर तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये तो धोखा है। इसलिए अगर ये पॉलिसी ये जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल में ये कश्मीरी लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है, मुल्क के हित में भी ये नहीं है। ये जमहूरियत में हर एक को अपनी अपनी आज़ादी है, चाहे आज़ाद साहब हो या PAGT हो, सबको अपना अपना हक है, कौन क्या पार्टी बनाएगा, कौन क्या अपना मंशूर रखेगा, तो इसलिए जमहूरियत में हर एक को हक है।